Assalamu alaikum all. Hopefully you guys are of good health. This is session number 2 in which we will discuss in gradient and properties of gradient. So let's move forward. Gradient related first, many kuch points jo apni class mein student sections that I'm teaching right now, humne to likhwa bhi diye the and discuss bhi kar liye the. These are the couple of points. I want ke aap log video ko pause karke those who haven't written the following points first likh lein. Then one by one hum in sare points ko accordingly discuss karenge. So first point is gradient refers to inclination of a line and it's also called as slope. So agar main first baat kar raha hu gradient ki, agar main first baat kar raha hu gradient ki, gradient refers to inclination of a line, also called as slope. Agar main baat kar raha hu gradient ki, gradient ko hum log line ka slope bhi kehte hain, jisko hum small m se represent kar rahe hote hain. This is gradient. Gradient is represented by small m that refers to a slope and inclination of a line. Maine second point ye likha hai, if line makes an acute angle its gradient is positive, whereas line makes an obtuse angle its gradient is negative. Is baat ka kya matlab hai? Ye hopefully aapko next jab main question karunga usme clear hoga. You have to keep one thing in your mind that gradient of a line is fixed irrespective of any two points on that line. For say this is your line and you, if you have been asked to find its gradient, तो आप लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कोई से भी पॉइंट लाइन पे यूज करें, इररिस्पेक्टिव वो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, इन बिटवीन कोई भी पॉइंट है. जैसे ना आप नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सेकंड पॉइंट को एक्स टू वाई टू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, थर्ड पॉइंट को एक्स थ्री वाई थ्री से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो ग्रेडियंट आप किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर ग्रेडियंट का सेम ही आता है. अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स के अगर हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट का हमारे पास देयर आर कपल ऑफ फार्मूलास. नंबर वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. व्हाट इज वाई वन एक्स वन एक्स टू वाई टू? एक्स वन इज द कोऑर्डिनेट, एक्स वन वाई वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, x2, y2 is the coordinate of second point. Gradient का एक और फॉर्मूला भी होता है, that is rise divided by run approach. Gradient का एक और फॉर्मूला भी होता है, that is dy divided by dx. अगर मैं इन सारे फॉर्मूलाज को वन बाय वन बात करूं तो भाई सबसे पहले अगर हम y2 minus y1 by x2 minus x1 इस फॉर्मूले की बात करें तो दिस फॉर्मूला इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन. टू पॉइंट्स आर गिवन, तो आपके पास जब भी किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप नॉर्मली टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं और ग्रेडियंट की वैल्यू अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट दिस राइज डिवाइडेड बाय रन अप्रोच, तो यू नॉर्मली यूज दिस फॉर्मूला व्हेन ग्राफ इज ड्रॉन. आपके पास किसी भी लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो आपके पास ग्रेडियंट राइज बाय रन अप्रोच से भी कैलकुलेट हो सकता है अगर उस लाइन का प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ हो. एंड व्हाट अबाउट दिस डी वाई बाय डी एक्स अप्रोच? दिस फॉर्मूला इज नॉर्मली यूज्ड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व और ये नॉर्मली एट मैथ्स के स्टूडेंट्स अपने 11th क्लास के अंदर जब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन इन टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला डिटेल के अंदर सीख रहे होते हैं. सो इन मैथ्स इन 40 सिलेबस 4022 4024 we will discussing this one, that is rise by run approach and y2 minus y1 by x2 minus x1. अब इनको कैसे हम properly apply कर रहे होंगे, use कर रहे होंगे, जरा one by one इसकी बात करते हैं. मैं आपको एक बहुत simple सा case दे रहा हूँ. You have been asked to find the gradient of a line that are passing through 3,4 and 4,7. आपके पास अगर मैं part A को यहाँ पे solve करके दिखाऊँ, in part A you have been asked to find gradient of a line that is passing through following points. तो भाई part A को अगर आप solve करना चाह रहे हैं आप normally यही करेंगे ना. फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट को आप एक्स वन वाई वन, सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू लेबल कर लेंगे और अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर लेंगे. एज वी हैव डिस्कस्ड ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू. सो अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास टू पॉइंट्स ही गिवन है तो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू अकॉर्डिंगली मैंने नेम कर दिया. अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आप ऐसे ही करेंगे ना, वाई टू में से वाई वन माइनस करेंगे, that is 7 minus 4 divided by x2 में से x1 minus कर देंगे,
4 minus 3. Simple कर लेंगे, 7 minus 4 comes out to be 3, 4 minus 3 comes out to be 1. Simple करेंगे, gradient आया 3. अब now the thing is this gradient comes out to be a positive number. और मैंने previous अगर आपको line याद हो तो मैंने एक बात ये लिखवाई थी कि if line makes an acute angle, its gradient is positive. And whereas if obtuse, it makes obtuse, then gradient is negative. I hope so कि आप सबको ये बात तो clear होगी कि what is acute angle, what is obtuse angle. चलें फिर भी let's discuss. Acute angle is an angle if the value of the angle ranges in between 0 and 90 degree. Whereas obtuse angle is an angle if the value of angle is in between 0 and 180. Obtuse की अगर हम बात करें तो जो भी आपके पास angle होता है that angle lies between 90 degree and 180 degree. And if that lies between 0 and 90 degree, so वो आपके पास क्या होगा? Acute angle होगा, like this one. तो अब इस condition के accordingly इसका मतलब क्या है? देखिए अगर मैं आपको generally एक बात समझाऊं कि if we talk about a line, for say this is your line. मैं दो condition आपको बताता हूँ. This is your line and this is your line. This is line number one. This is your line number two. अगर आपने किसी भी line के लिए इस बात को judge करना है कि whether वो acute angle बना रही है या obtuse angle बना रही है, so for measuring the angle of any of the line, first I am just writing here a sentence. तो hopefully आप लोगों को ये help out करेगा. I am pausing the video ताकि मैं उस sentence को लिखके फिर दोबारा resume. So yes, अगर आप sentence को read करें, मैंने अभी clearly लिखा to measure the angle of any of the line. You move in anti-clockwise direction from positive axis. इसका मतलब ये है ना, अगर फॉर से मैं line number one की बात करूँ और आपने line number one के angle को measure करना है, तो आप line number one के angle को measure करने के लिए करने क्या वाले हो? You have to move in anti-clockwise direction. मतलब आप line का अगर angle judge करना चाहते हो कि whether वो acute है obtuse है, आप उस line पे किसी भी point पे एक imaginary origin form कर दो. जैसे मैंने आपको ये दो पॉइंट्स पे ओरिजिन फॉर्म करके दिखाया है, सो यू कैन फॉर्म दिस इमेजिनरी ओरिजिन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन एंड यू स्टार्ट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस. तो अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल कुछ फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल यही कहता है ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल एक एक्यूट एंगल है एंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल डेफिनेटली मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90, और फिगर से क्लियर नजर भी आ रहा है. फिर मींस अगर मैं ऐसी किसी भी लाइन के एम मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट देयर आंसर इज, बट आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट दैट कि वो उसका आंसर पॉजिटिव नंबर होगा. एंड व्हाट इफ अगर मैं लाइन नंबर टू के ग्रेडियंट की बात करूं, तो क्योंकि इस लाइन के अगर मैं एंगल की बात करूं एंड आई हैव टू मेक ओरिजिन एट एनी ऑफ द पॉइंट जस्ट टू चेक कि वेदर इट्स ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कर रहा है. मतलब ये एंगल जीरो, ये ग्रेटर देन 90 है, लेसर देन 180 है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन के ग्रेडियंट की जो भी वैल्यू हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई एम श्योर ऑफ अ फैक्ट दैट कि इसका ग्रेडियंट आने वाला एक नेगेटिव नंबर होगा. सेम वे अगर आप यहाँ पे भी कहीं किसी भी पॉइंट पे इमेजिनरी ओरिजिन ड्रॉ करो, तो आप एक बात नोट करोगे, ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ही फॉर्म हो रहा है. और एंगल मेजर करने का ये रूल है कि इट इज मेजर्ड to measure any of the angle of the line, you move in anti-clockwise direction from positive axis. So, positive x-axis से standard rule accordingly turn करते हो. अब मैं इस बात से आपको relate क्या कराना चाह रहा हूँ? इस बात से मैं relate कराना चाह रहा हूँ कि gradient of this line, this A, part A, comes out to your positive number. So, इसका मतलब इससे बनने वाली line भी acute angle बना रही होगी. तो अगर आप इससे बनने वाली line को draw करो, imaginary तौर पे इस line को draw करो, so the coordinate of point, the first point is 3, 4. तो एक imaginary बात करते हैं कि x में आप move करें 3, y में move करें somewhat 4. तो आपके पास ये point आ रहा होगा 1, 2, 3, और y में 1, 2, 3, 4 somewhat. यहाँ पे एक imaginary बात करते ना. और फिर second point है 4 और 7, तो आप x में move कर लिया कोई 4 और y में move कर लिया कोई 7, वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा. और इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हुए आप लाइन फॉर्म करें, तो ये लाइन बनने वाली लाइन जैसी बनेगी, लेकिन ये एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है. और एक्यूट एंगल से ये बात रिलेट हो रही है ना कि इसका ग्रेडियंट जो भी हो, तो दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर. तो क्लियरली इसमें दिख भी रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है. इन द सेम वे अगर आप लाइन टू का ग्रेडियंट कैलकुलेट करें, फर्स्ट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बात कर सकूँ, इस कंडीशन को इरेज कर रहा हूँ ताकि हम आगे बात कर सकें. इन अगेन पार्ट नंबर बी को अगर मैं सॉल्व करूँ, तो पार्ट बी में यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द ग्रेडियंट.
अगर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे y2 minus y1 by x2 minus x1. अब y2 minus y1 would be 5 minus का 4, x2 minus x1, x2 minus x1 will be minus 2 minus 3. सिंपल कर लेंगे, 5 minus 4 comes out to be 1, minus 2 minus 3 comes out to be negative 5. आने वाला आंसर जो भी है, that comes out to be a negative number. और अगर हम इसका एक इमेजिनरी ग्राफ ड्रॉ करें, फर्स्ट पॉइंट 3.4 है, एक्स में आपने मूव करा 3, वाई में मूव करा 4, सो यहाँ पे होगा फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव 2 एंड 5, एक्स में मूव करा आपने माइनस का 2, वाई में मूव करा आप लोगों ने 5. सेकंड पॉइंट मल्टीप्लाइड समवट हियर. अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना दें तो बनने वाली लाइन ऐसे कुछ बन रही होगी. और अगर आप इस पे इस लाइन का एंगल एक इमेजिनरी तौर पे जज कर रहे हो तो दिस लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल. सो जिसकी वजह से ये बात क्लियरली शो हो रही है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आना चाहिए था. मैं आप गाइस आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, लाइन को देखते हुए अगर वो ग्राफिकली ड्रॉ हुई हुए आप कैसे जज कर सकते हो कि वेदर वो लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा या नहीं, या नेगेटिव होगा क्या नहीं. आप बस एक एट अ ग्लैंस इस बात को बता सकते हो. और नॉर्मली जो आपके पास ग्राफिकल उसमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो आप एट अ ग्लैंस उस चीज को देखते हुए चीज बता सकते हो. सिर्फ इसलिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करा है जब मैंने ये पॉइंट्स लिख पाए थे कि इफ लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, वेयर एज इफ अ लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेडियंट इज नेगेटिव. सो होपफुली यू आर क्लियर अबाउट फॉलोइंग टू थिंग्स. अब मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट दिस राइज डिवाइडेड बाय रन अप्रोच रेफर्स टू, एंड इस वाले पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि हाउ वी कैन से दैट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द टू पॉइंट्स. इसका क्या मतलब है, तो अब इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं मूविंग फॉरवर्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन. हियर आई हैव ड्रॉन अ प्रॉपर ग्राफ, और इस प्रॉपर ग्राफ में मैंने आपके पास ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ करी हुई है. आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन. पहले मैं आपको वो बात रिलेट कराता हूँ जो अभी आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, कि अगर हम इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लें जिसके बारे में हम परफेक्टली अवेयर हैं एंड वी आर परफेक्टली श्योर ऑफ कि वो पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, दैट इज लाइक दिस वन. इस पॉइंट के बारे में परफेक्टली श्योर होना, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं इसके बारे में. सो इफ आई राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, द वैल्यू ऑफ वाई इज 3. इन द सेम वे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, दिस विल बी 1, 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3, द वैल्यू ऑफ वाई इज -3. सो अगर हम बात करें इस लाइन के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने की, चलें एक पॉइंट का और कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, द वैल्यू ऑफ वाई इज -1. As we have discussed, gradient calculate करने के लिए हमें line का gradient calculate करने के लिए we need two points. First point coordinate को आप लोग x1 y1, second point को x2 y2 नाम करते हो, label करते हो, और आप इसका gradient calculate करना चाहते हो. तो let's say मैंने first point coordinate को इस वाले point coordinate को x1 y1 label कर दिया, इस point coordinate को x2 and y2 label कर लिया, और आप apply करते हो gradient का formula y2 minus का y1 that is -1. -3 जो कि y2 माइनस y1 अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसे ही होगा ना, -1 -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो अगर आप करते हो तो 2 माइनस 3. अगर आप इसको सिंपल कर लो, -1 माइनस माइनस इज प्लस, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 कम्स आउट टू बी -1 हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 2, -1 comes out to be positive, -2. अगर आपने एक बात नोट की हो, पहली बात तो ये लाइन आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कर रही थी, और सबने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करिए तो डेफिनेटली इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आना चाहिए. तो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि आने वाला ग्रेडियंट नेगेटिव साइन के साथ है. इनफैक्ट अगर आप इस लाइन की बात करें, हमने इन दो पॉइंट्स को भी आप यूज द फॉलोइंग टू पॉइंट्स एंड कैलकुलेटेड इट्स ग्रेडियंट दैट कम्स आउट टू बी -2. व्हाट इफ अगर मैं ये वाले दो पॉइंट यूज करता, अगर आप ये दो पॉइंट यूज करते तो आपके पास क्या होगा. अब इसको डायरेक्टली करते ना, आई कंसिडर दिस पॉइंट एज x1 y1, दिस पॉइंट एज x2 y2. अगर आप y2 माइनस y1 करें तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा ना, m इज इक्वल इन टू y2 माइनस 1 y1 में हो जाएगा 3 माइनस का 1, x2 माइनस x1 में हो जाएगा 0 माइनस का 1, पॉजिटिव 2, -1. ऑन सिंप्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी -2. मैं आपको एक बात नोट क्या कराना चाह रहा हूँ. If you note one thing,
First, we have used the following 2 points to find the gradient. Then we have used the following 2 points to find the value of gradient. In both the cases, the gradient comes out to be negative 2. So, aap logo ko ek baat ye to note karana cha raha hu. If you just remember, if you memorize the first point, jisme humne ek baat ye discuss ki thi, main usi condition pe aata hu, aapko wahi baat note karata hu. If you remember this point, the following one, gradient of a line is fixed. Last one, the gradient of a line is fixed irrespective of any of the 2 points on the line. To yehi baat ko refer kar raha na ki gradient of a line is a fixed value irrespective of any of the 2 points. To agar aapne ek baat note kiya to humne jo line pehle yahan pe draw ki thi uska gradient ek fixed value aa rahi thi and that comes out to be -2. Ab main aapko isi baat ko relate karaunga jo humne bhi previous ke ek approach padhi thi. That is rise divided by run approach. Ye aapke paas aakhri baat reh gayi, that is rise by run. Ke how you find the gradient by using rise divided by run approach. Usse aap kaise calculate karte ho? So is baat ko detail mein discuss karte hain. How we apply this rise divided by run approach. Okay, move on. If you are like talking about rise by run approach, to agar hum baat kare rise ki, तो राइज का मतलब होता है मूवमेंट अलोंग अ वर्टिकल एक्सिस. अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो दैट रेफर्स टू अ राइज. डाउनवर्ड आ रहे हो तो ये फॉल होगा, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव राइज कह रहे होंगे. मतलब इफ यू आर मूविंग लाइक अपवर्ड तो दैट वुड बी राइज. डाउनवर्ड अगर आप मूव करो तो इसको हम नेगेटिव राइज कहेंगे. इफ यू आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो दैट रेफर्स टू अ पॉजिटिव रन, बिकॉज रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की मूवमेंट. अपवर्ड राइज, डाउनवर्ड नेगेटिव राइज. Positive x-axis movement, positive run. Negative x-axis movement refers to negative run. So, अगर आप rise by run approach use कर रहे होते हैं, मैंने exactly आपके सामने उसी line को show करा हुआ है, और हम यहाँ पे rise by run approach के accordingly gradient calculate करेंगे. As we have discussed, इस line का gradient after solving negative 2 आया था, और हमने उसको 2-point formula, that is y2 minus y1 by x2 minus x1 से calculate करा था. What if अगर मैं इसी बात को rise by run approach से कहूँ? देखिए, rise by run approach करना बहुत simple है. For using rise by run approach, you have to consider any of the 2 points on a line जो कि perfectly उस line पे lie कर रहे हैं, जैसे ये वाला, जैसे ये points. फॉर से मैंने इन दो पॉइंट्स को भी मीनवाइल मार कर दिया है. तो इफ यू आर यूजिंग लाइक राइज बाय रन अप्रोच, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जैसे अब की कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैं इस वाले पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ. पॉइंट 1 मैंने और पॉइंट 2 मार करे, मैंने कोऑर्डिनेट्स मार नहीं करे, जस्ट पॉइंट मार करे. एंड आई एम जस्ट शोइंग यू कि आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. सो फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, हाउ मेनी यूनिट आई हैव टू राइज? 1 यूनिट, 2 unit, 3 unit, 4 unit. So it means that for traveling from point 1 to point 2, I have to rise how many unit? 4 units. And this is in upward direction, so that refers to positive rise. Now, what about run? For moving from point 1 to 2, I have to rise 4 units and run how many units? 1 unit and 2 units. अब मुझे एक बात ये बताएं क्लियरली कि इफ आई मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दैट रेफर्स टू पॉजिटिव रन और नेगेटिव रन? तो डेफिनेटली दैट रेफर्स टू नेगेटिव रन. तो 4 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी -2. इसी बात को दोबारा देखते हैं डिफरेंट कलर से. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2. पॉइंट 1 अब मैं इसको नाम दे रहा हूं, पॉइंट 2 इस पॉइंट को नेम दे रहा हूं, दैट आई हैव मार्क्ड विद सम व्हाट ब्राउन कलर. अब देखें, अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 वेदर डाउनवर्ड जाएं वेदर अपवर्ड जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अब के केस में आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, आई हैव टू मूव डाउनवर्ड, तो अब के राइज को मैं नेगेटिव राइज लगाऊंगा और अब के रन को मैं पॉजिटिव रन लगाऊंगा. क्योंकि आप राइज बाय रन अप्रोच में ही करते ना, moving downward refers to negative rise, moving in positive x axis refers to positive run. To agar aap rise by run approach ki baat kare, so I am rising how many unit? I am actually falling, jisko main negative rise keh raha hu, to I am rising by negative 4 units or positive 4, negative 8 unit or positive 8, so that would be negative 8, because ye 5 units aapke paas somehow ye ho jayega, 3 units ye ho jayega, so it simply means that ke I am rising by 8 units and that's negative rise. I'm running 1 unit, 2 unit, 3 units and 4 unit.
तो आई एम रनिंग 4 यूनिट एंड दैट्स पॉजिटिव रन. तो अगर आप इस वैल्यू को सिंपलीफाई कर लें दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी नेगेटिव 2. तो आपको एक बात रियलाइज क्या कराना चाह रहा हूँ कि अगर आप ग्राफिकली अप्रोच में राइज बाय रन फॉर्मेट को यूज कर लें तो काफी ईजी होता है, ईजी टू अप्लाई होता है और बहुत आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द टू पॉइंट्स ऑन दैट लाइन आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करें वेदर टू पॉइंट फॉर्मूले से वेदर दिस राइज बाय रन अप्रोच से, आने वाला आंसर एक ही होता है. कुछ स्टूडेंट को क्योंकि फर्स्ट टाइम राइज बाय रन अप्रोच का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे मे बी प्रॉब्लम हो, तो मैं लास्ट टाइम राइज बाय रन के कॉन्सेप्ट को और कुछ दो पॉइंट्स के लिए बता देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियरली क्लियर हो जाए. नाउ आई एम यूजिंग दिस डार्क पिंक कलर एंड हाईलाइटिंग दीज टू पॉइंट्स. इसको फोर से 0.1 मान लेते हैं, इसको 0.2 मान लेते हैं. अगर आप 0.1 से 0.2 ट्रैवल कर रहे हैं यू आर राइजिंग 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट. आपके केस में ये राइज अगेन पॉजिटिव राइज की कैटेगरी में आएगा बिकॉज यू आर मूविंग अपवर्ड. इफ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट रन तो यू आर कमिंग यू आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन 1 यूनिट एंड 2 यूनिट. तो नेगेटिव 2 सिंप्लीफाई कर लें दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव 2. तो आप ये नोट करें ये नोट करें ये नोट करें इन ऑल ऑफ द केसेस यू विल बी गेटिंग -2. Hopefully, concept is clear about the following one. Now, last but not least, we will discuss the conditions of gradient, then end this lecture. So, by moving towards conditions of gradient, agar hum conditions of gradient ki baat karein, so there are two conditions of gradient. Number one, if lines are parallel, so agar hum perpendicular, agar hum parallel line ki baat karein, so if lines are parallel, their gradients are same because inclination is same. इस बात से मैं आपको सिंपली बताने का चाह रहा हूँ. लेट मी ड्रॉ कपल ऑफ लाइंस. दिस 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 अब ये केस के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को सिंपली ये बताया कि इफ लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट आर सेम. इट मींस दिस इज m1 दिस इज m2. फॉर से इफ द वैल्यू ऑफ m1 इज x सो वैल्यू ऑफ m2 इज ऑल्सो बी x बिकॉज लाइंस आर पैरेलल. व्हाट इफ the gradient of falling line is -3, so the gradient of this line will also be -3 because lines are parallel. Let's consider the gradient of falling line is 4 divided by 3. So obviously if this line is parallel to this one to iska gradient bhi 4 by 3 hi hoga because condition says if lines are parallel their gradient are same. Moving towards condition number 2. Condition number 2 is regarding the parallel lines. Condition 2 is regarding the parallel lines. Agar aap parallel lines is regarding the perpendicular line. Agar aap perpendicular line ki baat kar rahe hain, so let's read the condition. What the condition of perpendicular line says, if lines are perpendicular, their gradients are reciprocal of each other along with change in sign. Is baat ka aapke paas simply matlab kya hai? Ke line perpendicular hongi, to obviously उनके ग्रेडियंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे अलोंग विद चेंज इन साइन. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 2 हम जरा फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. फॉर से दिस इज लाइन 1 हैविंग ग्रेडियंट m1 जिसकी वैल्यू को मैं x अज्यूम कर रहा हूं एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन और जो दूसरी लाइन है उसका ग्रेडियंट m2 है. तो व्हाट कंडीशन 1 सेज दैट कि आपके पास m2 और m1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे अलोंग विद चेंज इन साइन. अलोंग विद चेंज इन साइन अगर आप रीड कर लें तो ये लिखा हुआ है लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर ग्रेडियंट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर अलोंग विद चेंज इन साइन. तो इसका मतलब सिंपली यही होगा दिस इज लेट्स अज्यूम लाइन 1 हैविंग ग्रेडियंट 2. सो ऑब्वियसली ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 आपके पास क्या होगा जिसको मैं अगर m2 लेबल कर रहा हूँ तो दैट वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईदर. वो 2 है तो 1/2 होगा अलोंग विद चेंज इन साइन. लेट्स कंसिडर आपके पास इस लाइन का ग्रेडियंट -3/2 है. सो ऑब्वियसली एज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट सेज कि ग्रेडियंट रेसिप्रोकल अलोंग विद चेंज इन साइन होते हैं तो इस वाली लाइन का ग्रेडियंट आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m2 की वैल्यू 2/3 होगी along with positive sign because ये negative sign के साथ था. अगर इसी बात को मैं condition number जो मैंने यहाँ पे
लाइन टू लिखिए उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करूं. इन अदर वर्ड्स यू कैन सिंपली सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन इज इक्वल्स टू माइनस वन. इस बात का मतलब क्या है, मैं इस बात को आपको ऐसे रिलेट कराता हूँ. आई नीड सम स्पेस सो आई एम रेजिंग दिस पार्ट. मैं इस बात को आपको ऐसे रिलेट कराता हूँ. लेट्स से हमें ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एम टू की, और हमें ये 2/3 गिवन नहीं है एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड इट्स वैल्यू. आप कैसे करेंगे? वट कंडीशन टू सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल इन टू माइनस वन. तो आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस कि एम वन और एम टू का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होगा. यस और नो? यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम टू, जो कि मैं यहाँ पे आपको गिवन नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूँ एम टू की वैल्यू बता दें, और आप इस फॉर्मूला पे इस अप्रोच से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं. एम वन की वैल्यू -3/2 है और आप एम टू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस दिस टू इन डिविजन हैज टू बी शिफ्टेड इन टू मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन वाले -3 को आप डिवाइड में शिफ्ट करेंगे. सो ऑब्वियसली ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, और ऑन सिंप्लीफिकेशन एम टू की वैल्यू लेफ्ट ओवर रह जाएगी 2/3. सो हम सिंपली कह ये सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन एंड बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यू हैव टू अप्रोचेस. आइदर यू कैन जस्ट रेसिप्रोकेट द वैल्यूज एंड चेंज द साइन, और आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, जो कि दिखने में थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन इससे कभी भी आपके पास मिस्टेक नहीं होगी. अगर आप कॉन्शियसली साइन की वेरिएशन करनी है वो कर दें, अनकॉन्शियसली वो कर दें, तो होपफुली वी हैव discuss couple of things and all of the things regarding gradient and all. So in next class we will start with the Lishal equation of a line. Hopefully all the concept regarding gradient is clear. If you guys are having any of the problem, any query, feel free to discuss me or contact on my number. So next class is inshallah, and in next session we will discuss concept of equation of line. Thank you.